स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम खुला आकाश इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे प्रश्न एक सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए गली की विशेषताएं उत्तर सक्रिय व तंग गली मकानों की भीड़ से भरी हुई गली बिजली या तारों से उलझी हुई गली हरियाली के अभाव से जूझती हुई गली प्रश्न दो कृति पूर्ण कीजिए एक गली से यह नहीं दिखता उत्तर आसमान पेड़ दो लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता उत्तर बिजली या टेलीफोन के तारों में उलझे हुए आसमान व हरियाली के अभाव से जूझते हुए मुहल्ले प्रश्न तीन आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु उत्तर बाघ लकड़बग्घा तेंदुआ साप बिच्छू गोजर गाय बकरी भेड़, तितली चार मनुष्य जीवन की स्थितियां उत्तर यौवन बुढ़ापा प्रश्न पाँच। लिखिए घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है उत्तर दूसरे मकान गंदी व तंग गली लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। उत्तर मोटर कंप्यूटर अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है जो हम शौक से करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के कुछ शौक होते हैं शौक हमें आनंद देते हैं शौकीन होने से हमें ऊब नहीं होती इससे काम के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है व्यक्ति को जिस चीज़ का शौक़ होता है उसके लिए वह समय निकाल लेता है चाहे व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न रहे फिर भी वह अपने शौक़ की खातिर समय निकाल ही लेता है जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक़ होता है वह वक्त निकाल कर पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता है या फिर हर महीने नई नई किताबें खरीदता है कहते भी है जहाँ चाह वहाँ राह होती है बच्चों को खेलने का शौक होता है अतः वह अपनी पढ़ाई पूरी करके दिन में दो तीन घंटे का समय खेल के लिए जैसे तैसे निकाल लेते हैं इस प्रकार जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग निकाल लेते हैं अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है एक निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए एक दुर्लभ दुर्लभ संधि दो महाआत्मा महात्मा स्वर संधि तीन अनासक्त अनासक्त स्वर संधि चार अंतचेतना विसर्ग संधि पाँच समतोष संतोष संधि छह सदा एव सदैव स्वर संधि दो निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए एक सज्जन सतजन व्यंजन संधि दो नमस्ते नमः ते संधि तीन स्वागत सु आगत स्वर संधि चार दिग्दर्शक दिखदर्शक व्यंजन संधि पाँच यद्यपि यदि अपि स्वर संधि छह दुस्साहस दुसाहस विसर्ग संधि प्रश्न तीन निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए एक दिग्गज दिग्गज व्यंजन संधि दो सप्ताह सप्ता अह स्वर संधि तीन निश्चल, निश्चल, निश्चल विसर्ग संधि चार भानुदय भानु उदय स्वर संधि पांच निसंदेह नी संदेह नी विसर्ग संधि छह सूर्यास्त सूर्य अस्त स्वर संधि प्रश्न चार पाठों में आए संधि शब्द छाटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए उत्तर एक भावार्थ भाव अर्थ स्वर संधि दो सारांश सार अंश स्वर संधि तीन सूर्यास्त अस्त स्वर संधि चार सूर्योदय सूर्य उदय स्वर संधि पांच विद्यार्थी विद्यार्थी स्वर संधि छह महाशय महाआशय स्वर संधि सात परोपकार उपकार स्वर संधि आठ पर्यावरण परी आवरण स्वर संधि नौ नयन अन स्वर संधि दस पवित्र पोइत्र स्वर संधि ग्यारह सन्मार्ग व्यंजन संधि, बारह तलीन तत्लीन व्यंजन संधि, तेरह संबंध संबंध व्यंजन संधि, चौदह संपूर्ण समपूर्ण संधि, पंद्रह संवाद समवाद संधि, सोलह संरक्षण संरक्षण व्यंजन संधि, सत्रह दुर्बल विसर्ग संधि अठारह निराशा नि आशा विसर्ग संधि उन्नीस प्रातःकाल प्रातः काल विसर्ग संधि अगला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में जो भी लोग मेरी मदद करेंगे मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है आमदनी कुछ भी नहीं है लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए तीन पाउंड होता है ऊपर से अन्य कई खर्च है अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूँ यह मेरा अपना कर्मफल है मुझे ही भुगतना होगा विवेकानंद की आत्मकथा से प्रश्न एक पूर्ण कीजिए एक कमरे का किराया उत्तर हर हफ्ते के लिए तीन पाउंड अन्य कई खर्च दो लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है उत्तर अतीत में जिन लोगों ने उनकी मदद की है भविष्य में जो लोग उनकी मदद करेंगे प्रश्न दो उत्तर लिखिए परिच्छेद में उल्लेखित देश उत्तर इंग्लैंड दो हर किसी को करना होगा उत्तर अपना कर्तव्य तीन लेखक की तकलीफें उत्तर सब कुछ के लिए उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और उनकी आमदनी कम है चार हर किसी को करनी होगी उत्तर आत्मरक्षा प्रश्न तीन निर्देशानुसार हल कीजिए निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपयुक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए एक स्वयं की रक्षा करना उत्तर आत्मरक्षा दो दूसरों के उपकारों को मानने वाला उत्तर कृतज्ञ ब लिंग पहचान कर लिखिए एक जेब उत्तर श्रीलिंग दो दावा उत्तर पुलिंग तीन साहित्य उत्तर पुलिंग चार सेवा उत्तर श्रीलिंग प्रश्न चार कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए उत्तर कृतज्ञता का अर्थ है कृतज्ञ होने का भाव यह एक महान गुण है यह मनुष्य का ऐसा आभूषण है जिसे धारण करने से हमारा भी भला होता है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है अतः हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हम अपने प्रति कभी भी और किसी भी रूप में की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और इसके बदले में जब भी अवसर आएगा अवश्य ही सेवा करेंगे इसीलिए कहा गया है कि कृतज्ञता मनुष्य की अनमोल निधि है तो बच्चों इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेलाइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें